के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन विद मी। आई एम शुभाशीष दास, न्यू वॉचिंग IITJEE ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बेस्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। जो पहली बार आ रहे हैं इस चैनल में, तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द सर्क्यूलर वायर। एक सर्क्यूलर वायर में अगर करंट कैरिंग है तो उसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो हम लोगों को पता है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं जो स्ट्रेट वायर और कर्व्ड वायर का कॉम्बिनेशन है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक पोजीशन में क्या बन सकता है वो आज हम लोग सीखेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि इस लेसन को, इस वीडियो लेसन को पूरा अंत तक देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा यूजफुल मेथड यहाँ पता चलेगा, वेरियस सिचुएशन पता चलेगा और उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आप अपने एंड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्क्यूलर वायर है, अगर सर्क्यूलर वायर में वी नो दैट इफ द करेंट इज आई, इफ द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर करेंट कैरिंग वायर इज आर, देन ओ बीइंग टेकन एज द सेंटर फॉर क्लॉकवाइज करेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी म्यू नॉट आई बाई टू आर, है ना। और ये डायरेक्शन किधर होगा, ये इतना टेस्ला एंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज है, तो इनटू द क्रॉस इज इंडिकेटिंग द राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट क्लॉकवाइज ऑर्डर पे है ना, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इनवर्ड। वी नो दैट कि इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई क्रॉस। क्रॉस लिख देते हैं इस प्लेन पे, तो मतलब वो इनवर्ड को इंडिकेट करता है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख भी दूं, है ना, इनटू द प्लेन, ठीक है। ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू द प्लेन। यही अगर मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लूं, ये अगर एक सर्क्यूलर वायर है जिसमें करंट आई है, इसका रेडियस आर है, ये सेंटर ओ है ना, फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड एट ओ दिस टाइम विल बी आउटवर्ड। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यू कैन सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज कमिंग आउटवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड नाउ एट द सेंटर विल बी रिटन बाई द सेम मैग्नीट्यूड, सेम फॉर्मूला, यानी कि म्यू नॉट आई बाई टू आर। लेकिन अब ये इतना टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस मच टेस्ला। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिम्बॉलिकली द डॉट, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और वो क्या होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो दो बात हम लोगों को समझ में आ गया कि इट इज इनवर्ड इन टू द प्लेन, प्रोवाइडेड अगर करेंट क्लॉकवाइज है इन अ सर्क्यूलर लूप, और अगर करेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सर्क्यूलर लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम इन वैल्यू बट इट विल बी डायरेक्शन वाइज आउटवर्ड, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा सर्क्यूलर लूप है तो ये रिजल्ट है। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं अगर सेमी सर्क्यूलर लूप लेता हूँ, ये एक सेमी सर्क्यूलर लूप है, करंट ऐसे है, इस तरह से आया, मान लीजिए आई बी द करंट, दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है, ये हो गया उसका रेडियस आर। तो अब अगर मेरे को फॉर दिस क्लॉकवाइज पार्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सेमी सर्क्यूलर पार्ट, तो फॉर सेमी सर्क्यूलर पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, फॉर सेमी सर्क्यूलर वायर, सेमी सर्क्यूलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी हाफ ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वी फाउंड अगेंस्ट द कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल के लिए था म्यू नॉट आई बाई टू आर, तो उसका हाफ हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर आर। डायरेक्शन विल बी दिस मच टेस्ला इनवर्ड, क्लॉकवाइज है इनवर्ड। यहां भी उसी तरह से मान लीजिए अगर मैं इस तरह से एक सेमी सर्क्यूलर लूप को लेता हूं, ठीक है ना, ये अगर एक सेमी सर्क्यूलर लूप है जिसमें करंट का ऑर्डर आप देख सकते हैं, इट्स टेकन दिस वे,
if this is be the center O, ये उसका रेडियस R है, तो अब करंट कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड अब इस पॉइंट पे विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन. तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O विल बी दिस टाइम म्यू नॉट आई बाई 4R टेस्ला, एंड डायरेक्शन वाइज इट विल बी आउटवर्ड. सो इट कैन बी सिंबॉलिकली शोन बाई द डॉट सिंबल, है ना. डॉट सिंबल लिखते हैं तो वो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, आउटवर्ड लाइन. राइट हैंड थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड राइट हैंड फिंगर्स कर्लिंग इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और द ऑर्डर ऑफ करंट इन द कर्व्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग वायर. ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे फुल सर्कल और हाफ सर्कल के लिए वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कल के लिए हम लोग रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द आर्क. मान लीजिए कि आपके पास एक अरेंजमेंट ऐसे है, ठीक है, ये एक 1/4 ऑफ द सर्कल है, दैट इज क्वार्टर ऑफ सर्कल. वायर ऐसे है, इधर से करंट आया, ऐसे क्लॉकवाइज जाके ऐसे गया. सो इफ आई बी द करंट फ्लोइंग इन दिस वे एंड इफ दिस इज बी द सेंटर ओ प्रोवाइडेड दिस साइड्स आर टेकन एज आर, ठीक है, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर ओ. अब ये टोटल का 1/4, यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8R, म्यू नॉट आई बाई 2R फुल सर्कल के लिए होता है ना सेंटर पे, ठीक है ना. तो अगर फुल सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2R होता है तो उसका 1/4 यानी कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 8R. तो म्यू नॉट आई बाई 8R टेस्ला क्लॉकवाइज है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनवर्ट, यानी कि फुल सर्कल हो या पार्ट ऑफ द सर्कल. अगर करेंट का ऑर्डर क्लॉकवाइज है तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड. तो 1/4 के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इतना ही होगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 8R, बट दैट टाइम इट विल बी आउटवर्ड. लेकिन मान लीजिए एक सर्क्यूलर आर्क है और वो सेंटर पे जस्ट एक थीटा एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग करंट आई इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर, ये उसका रेडियस ऑफ द आर्क है, ये सेंटर है मान लीजिए सर्कल. वेल, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब एक आर्क लेंथ होगा, एक पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, इफ दैट पार्ट ऑफ द सर्कुलर आर्क, यानी कि सर्कुलर कंडक्टर का एक पार्ट, यानी कि जो टोटल का एक सेगमेंट होगा, टोटल का एक सेक्शन है, टोटल अगर पूरा सर्कल होता है तो हम लोग जानते हैं कि पूरा सर्कल होने पे सेंटर पे कितना एंगल बनता है, पूरा 2π एंगल बनता है ना यहाँ सेंटर पे. तो वही अगर उसमें से एक पार्ट अगर लेते हैं विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा, तो इसके इतना पार्ट के लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा थीटा बाई 2π इंटू म्यू नॉट आई बाई 2R, ठीक है ना. तो मान लो इसी तरह का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, मान लेते हैं कि ठीक है, ये मान लेते हैं R1 रेडियस है इतना, और इतना मान लेते हैं R2 रेडियस है, ठीक है. तो वायर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वायर कैन बी आइडेंटिफाइड एज P1, P2, P3, P4, लेट द करेंट फ्लोइंग इन अ कंटिन्यूस ऑर्डर लाइक दिस, ठीक है. एक वायर है P1, P2, P3, P4, P1, है ना, यहाँ से एक क्लोज लूप बना है वायर का, आउट ऑफ विच टू पार्ट्स आर स्टेट पार्ट P2, P3 एंड P1, P4, और आर्क है P1, P2 एंड P3, P4. द सेगमेंट P1, P2 एंड P3, P4, बोथ ऑफ देम सबटेंड सेम एंगल
theta at the center of the circle, जबकि पहला सर्कुलर आर्क P1 P2 को जो आप देख रहे हो उसका रेडियस है R1 और दूसरा सर्कुलर आर्क जो कि P3 P4 है उसका रेडियस है R2. सो फार एज द स्ट्रेट सेगमेंट P2 P3 उसका लेंथ पता है R2 माइनस R1 विच विल बी एज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ P1 P4. लेकिन जो सेगमेंट P2 P3 या सेगमेंट P4 P1 है ये कंडक्टर का पोजिशन इज पासिंग थ्रू द रिक्वर्ड पॉइंट O, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं नो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ वायर्स P2, P3 एंड P4, P1. ये जो दो स्ट्रेट सेगमेंट है इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड O पर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ जरूरी है कि एक रेडियस वेक्टर यानी कि रिक्वर्ड पॉइंट का करंट कैरिंग वायर से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल हो. ठीक है ना? तो अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कोई भी वायर ऐसे है, आप अगर इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वो ऐसे है जितना भी पॉइंट सभी पॉइंट का भले वो विद इन द सेक्शन ऑफ द वायर है या सेक्शन से बाहर है, आगे है या इवन पीछे है, लेकिन अगर वायर से उसका एक अवेलेबल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, तभी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर बनेगा. लेकिन मान लीजिए एक पॉइंट है समवेयर ऑन द वायर या ऑन द लोकस ऑफ द वायर, तब ये दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता क्योंकि इन दोनों पॉइंट का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस वेक्टर पोजीशन किसी भी करंट एलिमेंट से बन ही नहीं पाएगा. ठीक है? तो स्ट्रेट एंड सिंपल आपको याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के एग्जिस्टेंस यानी कि कंडक्टर के लोकस पर ही लाई करता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की वजह से नहीं बन पाएगा. ठीक है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेल. तो अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं. तो यहाँ जो P2 P3 वाला सेक्शन है, P2 P3 वाला सेक्शन इज पासिंग थ्रू द O पॉइंट O, तो रिक्वर्ड पॉइंट इज लाइंग ऑन द लोकस ऑफ द स्ट्रेट वायर P2 P3 एज वेल एज द सेम पॉइंट O, द रिक्वर्ड पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट वायर सेक्शन P4 P1, यानी कि इन दोनों सेक्शन की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता, जबकि ये P1 P2 और P3 P4 की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड बनना पॉसिबल है. तो ये दोनों सर्कुलर आर्क है, यानी कि हम लोग तब लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी इक्वल टू, वन विल बी ड्यू टू दिस P1 P2, तो P1 P2 के लिए रेडियस डिस्टेंस कितना है R1, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2R1 इंटू थीटा बाई 2π. ठीक है ना? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू R1, क्योंकि उसका रेडियस डिस्टेंस R1 है, इंटू थीटा बाई 2π. ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड दिस मच टेस्ला एंड दैट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड. ठीक है? ये इनवर्ड डायरेक्शन पर बनेगा, जबकि उसी पॉइंट पर ये फर्स्ट वायर को मैंने ये इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू, मान लीजिए इसको लिख देते हैं P1 P2. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर P3 P4 अगर देखें P3 P4, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा एंड दैट फार्मूला विल बी मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R2. उसका रेडियल डिस्टेंस कितना है? P3 P4 का रेडियल डिस्टेंस R2 है, तो वी विल यूज म्यू नॉट आई बाई 2R2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2π, दिस मच टेस्ला, एंड डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड बिकॉज दैट पार्ट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्लोज लूप पार्ट के लिए O पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है P1 P2 के लिए क्लॉकवाइज, जबकि P3 P4 के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड. तो यहाँ दो तरह का मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा, कुछ इनवर्ड लाइन्स और कुछ
आउटवर्ड लेंस, अब देखना है कि कौन ज्यादा है. ऑब्वियसली डिफरेंस दोनों का, मैग्नीट्यूडिकल डिफरेंस इज ऑनली बिकॉज ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, यानी आर वन और आर टू में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली आर वन अपेयरिंग इन द डिनोमिनेटर, सो लेस द वैल्यू इन डिनोमिनेटर मोर इज द रिजल्ट. तो यानी कि यहाँ डेफिनेटली ये वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है ना. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट बिकॉज दिस वैल्यू इज मोर देन दिस पार्ट. सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. दिस मच टेस्ला डायरेक्टेड इनवर्ट, क्योंकि इनवर्ट ज्यादा था तो इनवर्ट माइनस आउटवर्ड, सो नेट रिजल्ट विल बी इनवर्ट. तो उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई, दोनों में यही कॉमन है, इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. तो इस तरह से हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री पर, है ना, जो पार्ट ऑफ द सर्कल है उसका हम लोग बेसिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड पॉइंट यानी कि सेंटर पर निकाल सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छा लगा. इसमें से कुछ चीज़ आप डेफिनेटली सीखे हैं जो कि आपको अपने रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगा. आपको वैरायटी ऑफ सिचुएशंस बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करने में जेई नीट या जेई एडवांस लेवल का जो क्वेश्चंस है उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो इस वीडियो में आपने जो कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन किया, जो सीखा है, वो जरूर आपका काम आएगा, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप अपने एंड से काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. मैं इस तरह का वीडियो लगातार ला रहा हूँ और इसी सेशन को कंटिन्यू करूँगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स को डिस्कस करूँगा. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.